मैं आपको जहाँ फिट एंड फिनिश की बात कर रहा था, आप देख सकते हो ये जो प्लास्टिक मटेरियल है ना कहीं थोड़ी कॉस्ट कटिंग आपको दिखती है। इग्निस वन एंड ओनली एसी कार है इस सेगमेंट में जो आपको रूफ रेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करती है। अगर आप गाड़ी को ड्राइव करोगे तो ऐसा जो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हल्के से बाहर आ रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे ऑल न्यू 2022 मारुति सुजुकी इग्निस नेक्सा की तरफ से आने वाली मोस्ट अफोर्डेबल कार है। बट आज मैं इसका AMT में डिटेल रिव्यू लेकर आया हूँ। मेरे पीछे खड़ा है सेकंड टॉप वेरिएंट जेटा AMT। प्राइसिंग की बात करें तो 6,97,000 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट इंदौर मध्य प्रदेश में अराउंड 7,87,000 रुपीज। स्पेशली बहुत से लोग इसको पंच से कंपेयर करते हैं, तो पंच, टियागो, ग्रैंड आइटन, नियोस सबसे कंपेयर करके देखेंगे इन द ईयर 2022 आपके लिए राइट चॉइस रहने वाली है कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑल राइट गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी पूरा वेदर बारिश जैसा हो रहा है, सडनली बारिश आने लग गई, बट ठीक है, वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले फ्रंट लुक्स आप देख सकते हो, जैसा कि एक अर्बन SUV वाले सेगमेंट में आती है। इतनी छोटी हैचबैक होते हुए आपको इतना बोल्ड एंड मस्कुलर लुक ये गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है। 9 कलर चॉइसेस आपको मिल जाती है। फ्रंट में आप देखोगे अगर सिग्मा वेरिएंट भी रहेगा ना, तो आप बेसिक एसेसरीज लगवा के उसको टॉप वेरिएंट वाला फील दे सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे इसकी क्रोम ग्रिल, देख सकते हो आप कितने बढ़िया एलिमेंट में यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो सेकेंड टॉप वेरिएंट होने के बावजूद आपको हेलोजन मिलती है टर्न इंडिकेटर्स के साथ। DRL या प्रोजेक्टर जैसा आपको ऑप्शन जेटा वेरिएंट में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको अल्फा वेरिएंट में मिलने वाला है DRLs के साथ। बट इतनी बोल्ड एंड मस्कुलर ये लग रही है, आप देख सकते हो। एंड ये जो पूरे क्रोम ट्रीटमेंट है ना, यहाँ तक मर्ज हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो फ्रंट प्रोफाइल है बहुत ही अमेजिंग लगती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, अगेन हेलोजन है। एंड जैसा कि एक बड़ी SUVs में स्किड प्लेट्स जैसी फिटमेंट रहती है, यहाँ पर भी आपको सिल्वर कलर में स्किड प्लेट्स मिल जाएगी फ्रंट एज वेल एज रियर में। जब इग्निस लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में, बहुत से लोगों को इसके लुक पसंद नहीं आ रहे थे, स्पेशली रियर प्रोफाइल को बहुत ट्रोल करते थे। आज की तारीख में नेक्सा का मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट बन गई है बलिनो के बाद। तो यार लुक्स देख सकते हो आप कितनी प्यारी लगती है फ्रंट प्रोफाइल में। सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन बता देता हूँ। नेक्सा इग्निस आपको वन एंड ओनली पेट्रोल इंजन के साथ आती है। डीजल CNG से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट पेट्रोल इंजन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1.2 लीटर 1197cc का VVT इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 81 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 113 Nm का टॉर्क। बट इसका वेट एंड पावर रेशो इतना बढ़िया रखा गया है ना, जिससे इनिशियल एज वेल एज टॉप एंड गाड़ी का बहुत प्यारा है। केबिन में कोई भी नॉइस नहीं आता है। इंसुलेशन फिर भी कंपनी ने यहाँ पर देकर रखा है। इसका ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी काफ़ी रिफाइंड है। केबिन में आपको कोई भी नॉइस देखने को नहीं मिलने वाला। बट अब मेन बात आती है इसके माइलेज की। जैसा कि AMT गियरबॉक्स है, मैनुअल में तो लोगों को 22-23 भी दे रही है, बट AMT में आपको इजिली 20-21 देने वाली है अगर आप हाईवे पर चला रहे हो, और सिटीज में आपको 17-19 इजीली निकालेगी। अब आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की ओर। लुक्स आप देख सकते हो इतनी कॉम्पैक्ट लगती है, स्पेशली आप अगर सिटी पर्पस के लिए एक बड़ी SUV वाली फील वाली कार लेना चाहते हो ना, तो इग्निस से बढ़िया आपके लिए ऑप्शन नहीं रहने वाला है। सबसे पहले टायर साइज से स्टार्ट करते हैं। 15 inches के टायर्स मिल जाते हैं आपको, जिसका सेक्शन है 175/65। मेन थिंग इज कि आपको जेटा वेरियंट से यहाँ पर ब्लैक कलर में एलॉइज मिलते हैं। सिग्मा या डेल्टा लोगे तो सिग्मा में तो आपको नॉर्मल स्टील व्हील रिम मिलने वाली है, डेल्टा में आपको व्हील कवर के साथ मिल जाएंगे, एंड जेटा से आपको यहाँ पर ये पूरे एलॉयज मिलने वाले हैं। देखो अभी बारिश के कारण थोड़ी गंदी हो गई है, बट ये जो शाइन है ना इसकी बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल लुक्स आप देख सकते हो, ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग यहाँ से लेके एंड तक मिल जाती है। ये जो चीज है ये एज एन एसेसरी लगवाई गई है, आप अगर लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। सिग्मा वेरियंट की पहचान यही है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। बाकी डेल्टा, जेटा, अल्फा सब में आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स आने वाले ORVM पे। एंड ये ORVM ऑटो फोल्ड है कि नहीं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बिकॉज इस टाइप की कीज मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से अंदर से ये फोल्ड होंगे। एंड यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बॉडी कलर में डोर हैंडल्स है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इग्निस वन एंड ओनली AC कार है इस सेगमेंट में जो आपको रूफ रेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करती है। सिल्वर कलर में आप रूफ रेल देख सकते हो, बहुत कम हैचबैक्स में आपको देखने को मिलेगी। और रूफ रेल मतलब ये शो के लिए नहीं दी है, बहुत ही मतलब आप देख सकते हो कितनी ड्यूरेबल है। आपको अगर कुछ लगेज कैरी करना है ऊपर, आप इजीली कर सकते हो। जो 3 कट है ना, उसके पीछे भी एक रीज़न है, देख सकते हो अब इतनी स्पेस जिस हिसाब से इग्निस को डिज़ाइन करा गया है, ये स्पेस काफ़ी खाली बच जाती है, तो इसलिए कंपनी ने यहाँ पर 3 डिज़ाइन दिए जिससे खाली ना लगे। कुछ इस टाइप से आपको A-पिलर B-पिलर मिल जाते हैं मैट ब्लैक फिनिश में। अब आ जाते हैं गाइस फाइनली इसके रियर लुक की ओर। बहुत से लोग इसके रियर लुक को ट्रोल करते थे, बिकॉज एक टाइम पर जब मारुति की रिट्स आई उसके जैसा बोलते थे, बिकॉज ये जो बम्पर बाहर आते हैं ना,
अगर आप गाड़ी को ड्राइव करोगे तो ऐसा जो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हल्के से बाहर आ रहे हैं बट गाड़ी को अनकॉमन लुक देते हैं। अगर आप कौन सी विदाउट स्पॉयलर इग्निस देख लोगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा ये इग्निस देखने के बाद। स्पॉयलर के साथ बहुत ही अल्टीमेट लुक प्रोवाइड करती है। आपको रियर वाइपर एंड डिफॉगर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल गई है, उसके ऊपर आपको रूफ एंटीना मिल जाता है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको जो टेल लैम्प, जैसा कि हेडलैम्प सेटअप भी हेलोजन था, टेल लैम्प सेटअप भी आपको हेलोजन मिलने वाला है, ब्रेक लाइट टर्न इंडिकेटर्स के साथ। इग्निस की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है, सुजुकी की यहाँ पर मिल जाती है, BS6 से वेरिएंट्स की कोई भी बैजिंग नहीं मिलेगी। पार्किंग कैमरा एज एन एसेसरी भी आप लगवा सकते हो अगर आप कौन सा आप बेसिक वेरिएंट ले रहे हो तो। और सबसे अच्छी चीज़, आपको 4 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसा कि फ्रंट में स्किड प्लेट्स थी, रियर में भी आपको सिल्वर कलर में यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, पार्सल ट्रे के साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है, पार्सल ट्रे आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हो। 260 लीटर की बूट स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। जैसा कि हैचबैक 5 सीटर कार है तो आप अगर कहीं टूरिंग पे भी जा रहे हो तो आपका जो भी लगेज है सारा स्टफ यहाँ पर आ जाएगा। बूट लैंप आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि सबसे अच्छी चीज़ लगी। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील मिलता है, बट एक चीज़ है कि स्पेयर व्हील आपको 15 इंचेस का मिलेगा बट इस पे अलॉयज नहीं मिलता है, तो ये आपको स्टील व्हील रिम के साथ मिलने वाला है। ऑल राइट गाइज, ओवरऑल एक्सटीरियर मैंने आपको समझा दिया है, फेस इसलिए नहीं शो कर पाया बिकॉज बारिश खतरनाक आ रही थी, एकदम मौसम खुल गया है। तब इंटीरियर की ओर चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। सबसे पहले डोर आप देख सकते हो, बहुत से लोग इसकी फिट एंड फिनिश के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, फिट एंड फिनिश में मारुति ने थोड़ी तो कॉस्ट कटिंग करी। बिकॉज देखो आप ये चीज़ देख सकते हो, ये जो प्लास्टिक है ना यहाँ पर यूज़ करा गया है, थोड़ा चीप क्वालिटी लगता है बट एज सच आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आप 10 से 15 साल भी इस गाड़ी को रखना चाहती हो तो फेड होने जैसा कोई भी इशू नहीं आएगा। डोर पर देखें तो इनर डोर हैंडल आपको यहाँ पर क्रोम इंसर्ट्स के साथ मिल जाता है, आपको ऑटोमेटिक ORVM एडजस्ट मिल जाता है, यहाँ से आप ORVM फोल्ड कर सकते हो, लॉक अनलॉक का फीचर, पावर विंडो लॉक एंड चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं ड्राइवर साइड ऑटो डाउन के साथ। ये जो है पूरे इसके साथ कलर थीम में मैच कर रहा है। नीचे बॉटल होल्डर मिल जाता है, जैसा कि जेटा वेरिएंट है तो आपको स्पीकर विद ट्विटर मिलेगा। मैं क्वालिटी की बात कर रहा था, अब इंटीरियर में चलते हैं। सीट कवर तो पूरे ब्लैक है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं आपको जहाँ फिट एंड फिनिश की बात कर रहा था आप देख सकते हो, ये जो प्लास्टिक मटेरियल है ना कहीं थोड़ी कॉस्ट कटिंग आपको दिखती है। नई गाड़ी आप खुद देख सकते हो, कहीं कहीं चीज़ें ऐसी है आपको लगेगा कि यार थोड़ी मारुति ने कॉस्ट कटिंग करी है। तो अब मैं आपको इसका इंटीरियर जल्दी से समझा देता हूँ। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको जेटा वेरिएंट से कंपनी प्रोवाइड करती है, डेल्टा में आपको की इंसर्ट करना पड़ेगी। 2 बार प्रेस करेंगे तो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ऑन हो जाएगा। बेसिक सी यूनिट है बट आपको सारी चीज़ें दिखा देगी। लेफ्ट में आपको 8000 तक का RPM शो कर रही है, सेंटर में 200 तक की स्पीड। यहाँ पर एक आपको MID मिल जाती है जो कि आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। यहाँ पर आपको कहीं भी टॉगल करने के लिए फीचर नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इन्फो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप ड्राइविंग टाइम, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड यहीं से अगर मैं दिखाऊँ आपको, आप सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हो। तो बेसिक जो भी कार से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देगी। इंटीरियर बहुत ही अनकॉमन दिया है बाकी मारुति के कार के कंपैरिजन में, तो अंदर बैठने का जो चलाने का मज़ा है वो आपको नेक्स्ट लेवल आने वाला है। छोटा सा स्टेयरिंग मिल जाता है, जैसा कि फ्लैट बॉटम नहीं है बट फिर भी आप देख सकते हो ओवरऑल लुक। ब्लैक एंड बेज कलर तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा एक व्हाइट क्रीमिश टाइप थीम है जो कि ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लग रही है। न्यूट्रल में भी खड़ी रहती है तो रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन रहता है सेफ्टी पर्पस के अकॉर्डिंग। अगर आप डोर वगैरह खोल रहे हो तो पीछे से कोई टू व्हीलर आ रही है आप तो आपको ध्यान रहे। कुछ इस टाइप के AC वेंट्स मिल जाते हैं क्रोम इंसर्ट्स के साथ, सेंटर के AC वेंट इट डिजाइन में मिलेंगे। अब इंफोटेनमेंट की ओर आए तो आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। ये जो है ना बेसिक यूनिट है जो आपको स्विफ्ट, S-Cross, Sia सब में देखने को मिलती है, तो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर सपोर्ट करेगी। डिस्प्ले में आप यहाँ पर डेट एंड टाइम, सिक्योरिटी सारी सेटिंग्स कर सकते हो, यहाँ से आपकी डिजिटल क्लॉक आ जाती है। तो बेसिक सी यूनिट है, A to Z आपको सारे फीचर्स ये बता देगी, तो काम की यूनिट रहने वाली है। 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं ड्राइवर एंड को पैसेंजर पर। स्टेयरिंग पर भी आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इंफोटेनमेंट के ब्लूटूथ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कॉल पिकअप एंड यहाँ से कर सकते हो, ब्लूटूथ माइक आपको यहाँ पर मिलता है। बढ़ते हैं इसके सेंटर कंसोल की ओर, यहाँ पर हैजार्ड मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, यहाँ से आप ब्लोअर स्पीड, यहाँ से डायरेक्शन एंड यहाँ से टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। नीचे आपको USB एंड ऑक्स पोर्ट के साथ 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड करा है। थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस, 2 कप होल्डर्स एंड जैसा कि आप देख सकते हो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। पर्सनली बोलना चाहूंगा काफी रिफाइंड है इसका गियर बॉक्स। हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाती है एंड अंदर बैठने का काफी बढ़िया स्पेस मिलती है। अगर आप 6 feet अबाउ भी ड्राइवर हो तो आप इजिली इस गाड़ी को चला सकते हो। सन वाइजर मिल जाता है टिकट होल्डर के साथ, को पैसेंजर पर आपको छोटे से वैनिटी मिरर के साथ मिल जाएगा, IRVM आपको नॉर्मल डे नाइट फीचर के साथ मिलने वाला है। सब रियर सीट्स में मैं आपको पर्सनली बैठकर दिखा देता हूँ मुझे क्या कुछ स्पेस मिल रही है। अभी जो फ्रंट सीट है ना मैंने किस हिसाब से सेट करी है, कोई 6 feet tall ड्राइवर है
वो जिस हिसाब से उसको जितनी स्पेस लगेगी उतनी मैंने सेट कर ली है, और मेरी एक एवरेज इंडियन की हाइट है, प्लेंटी ऑफ लेग रूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है, हेड रूम में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड मैंने बहुत से ओनर्स रिव्यू भी देखे हैं कि यार जो 6263 भी है वो भी इग्निस को कंफर्टेबल चला पाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बॉटल होल्डर मिल जाता है। रियर एसी वेंट जैसा कोई फीचर इसलिए नहीं दिया बिकॉज केबिन बहुत ही छोटा है, फ्रंट एसी वेंट से काफी इनफ हो जाते हैं। वीडियो कंक्लूड करते हैं, आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आप एक छोटी हैचबैक चाहते हो अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, लाइक इसमें बेस्ट इन सेगमेंट 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है मारुति की रिलायबिलिटी के साथ, आपका एक अगर बड़ी एसयूवी लेने का बजट नहीं है, स्पेशली सिटी रन है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी कंसिडर करना चाहते हो, तो इग्निस आपके लिए ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर कोई भी नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसी के पास आपको बेल आइकन मिल जाएगा उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे।